नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, एक रोबोटिक और एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोबोटिक सर्जरी किस किस ऑपरेशन में की जा सकती है। हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था रोबोटिक के ऊपर, जिसमें रोबोट क्या है इसके बारे में जानकारी दी गई थी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको रोबोटिक का बेसिक आइडिया नहीं है। हम इस वीडियो में बात करेंगे वो पेट के ऑपरेशन जो रोबोट से किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि रोबोट खुद से सर्जरी नहीं करता, पेट के ऑपरेशन एक स्लेव रोबोट से किए जाते हैं, यानी कि जो मूवमेंट सर्जन कर रहे हैं वही मूवमेंट रोबोट अपनी रोबोटिक आर्म्स के जरिए पेशेंट के पेट के अंदर करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सारे ऑपरेशन जो दूरबीन से किए जाते हैं पेट के अंदर, वो सभी रोबोट से भी किए जा सकते हैं, जैसे कि बेरियाट्रिक सर्जरी यानी वेट लॉस के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन, हर्निया की सर्जरी यानी डिफरेंट हर्निया जैसे इंग्वाइनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, ये सभी भी रोबोट की हेल्प से किए जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी दूरबीन के ऑपरेशन जैसे गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, गाइनी की सर्जरीज, ये सारी सर्जरीज भी रोबोट के थ्रू की जा सकती हैं। रोबोट का स्पेशल एडवांटेज है पेल्विक सर्जरीज में, यानी जो पेल्विस के अंदर का स्पेस है वो बहुत छोटा होता है और उसके चारों ओर हड्डी होती है, इसलिए उसके अंदर दूरबीन से महीम सर्जरी करनी मुश्किल रहती है। इसीलिए रोबोट से पेल्विक सर्जरीज लैप्रोस्कोपिक से कुछ ईजी हो जाती हैं, और कुछ ऑपरेशन जैसे कि गदूदों का कैंसर यानी प्रोस्टेट कैंसर की रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी में रोबोट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है एज़ कम्पेयर टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो सिंपल सी बात यह है कि वो कोई भी ऑपरेशन जो आप दूरबीन से करवाना चाह रहे हैं, ज़्यादातर वो सभी ऑपरेशन रोबोट से किए जा सकते हैं अगर वो पेट के ऑपरेशन हैं। इसके अलावा चेस्ट की सर्जरी जो दूरबीन से की जा रही हैं, जैसे चेस्ट में फूड पाइप की सर्जरीज, थाइमस की सर्जरी या हार्ट की सर्जरीज या लंग्स की सर्जरीज जो दूरबीन से हो रही हैं, वो सभी भी रोबोट की हेल्प से हो सकती हैं। और नेक की सर्जरीज जैसे थायराइड, नेक लिम्फ नोड डिसेक्शन, ये सभी भी रोबोट की मदद से किए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा क्या है। रोबोटिक सर्जरी ओवर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, इनके कई सारे एडवांटेजेस हैं। रोबोट की आर्म्स बहुत डेलिकेटली मूव करती हैं, उसमें मूवमेंट की रेंज दूरबीन से ज़्यादा रहती है, इसलिए सर्जरी ज़्यादा प्रेसाइज यानी ज़्यादा सटीक हो जाती है। डिसेक्शन दूरबीन के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होने की वजह से माना जाता है कि रोबोटिक सर्जरी के बाद पेन कम होगा और रिकवरी फास्ट होगी। इसके अलावा अगर डिसेक्शन ज़्यादा परफेक्ट होगी तो ब्लड लॉस भी कम होगा और पेन कम होने की वजह से आपको पेन किलर्स भी कम लेने पड़ेंगे और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी जल्दी हो सकता है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी वापस जा सकते हैं। फिर ऐसी सर्जरीज जिनमें लैप्रोस्कोपिकली करना काफ़ी मुश्किल रहता है, उनमें रोबोट एक स्पेशल एडवांटेज देता है, जैसे कि सीए प्रोस्टेट की सर्जरी जिसमें रोबोट बेटर परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो कैंसर की सर्जरीज हैं, पेट के जितने कैंसर्स हैं उनमें भी रोबोट का अच्छा रोल है और उनमें भी रोबोट लैप्रोस्कोपी को कुछ हद तक आउट परफॉर्म कर सकता है। बहुत बड़े हर्नियाज में लैप्रोस्कोपिकली डिसेक्शन करनी मुश्किल रहती है और उनमें भी रोबोट बेटर परफॉर्म करता है। आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको आइडिया लगा होगा कि क्या आप अपने ऑपरेशन जो आप प्लान कर रहे हैं रोबोट से करवा सकते हैं या नहीं, और अगर है तो किसी रोबोटिक सर्जन से मिलिए जो आपके आसपास हैं और उनसे डिस्कस करके एक नई टेक्निक का फ़ायदा लीजिए और बेस्ट अवेलेबल मोडलिटी से अपना ऑपरेशन करवाइए। थैंक यू।